friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. I am back with another video and today I am going to explain you questions and answer of chapter number 7, Getting to Know Plants. So friends, let's get started without any further ado. Here is question number 1. What is the difference between a herb and a shrub? Ek herb aur shrub mein kya antar hota hai? Answer. Herbs are very small and soft plants, usually less than 1 meter high. Herbs के जो plants होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत मुलायम होते हैं. Usually क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा high नहीं होते, लंबे नहीं होते, ये 1 meter तक ही होते हैं. They have green, soft and flexible stems. इनके जो stems होते हैं वो green होते हैं, soft होते हैं, मुलायम होते हैं और flexible होते हैं, easily bend हो जाते हैं. एग्जाम्पल है इसके कोरिएंडर यानी कि धनिया, मस्टर्ड यानी कि सरसों और मिंट यानी कि पुदीने का पौधा. पुदीने का पौधा बहुत से लोग अपने घरों में भी लगाते होंगे, तो वो आप देखेंगे कि कितना बड़ा होता है. आप पुदीने के पौधे को देखिए और उसके बाद ये आप जान जाएंगे कि हर्ब्स के प्लांट्स कैसे होते हैं. शर्ब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स, 1 से लेकर 3 मीटर तक हाई होते हैं. शर्ब्स के जो प्लांट होते हैं वो मीडियम होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते, 1 से 3 मीटर तक ही ऊंचे होते हैं ये. हैविंग हार्ड स्टेम्स, इनके जो स्टेम्स होते हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं. एग्जाम्पल्स हैं इसके रोज, लेमन एंड जैस्मिन, ये तीनों प्लांट्स के इसके एग्जाम्पल्स हैं शर्ब्स के. ये देखिए, मैं यहाँ पर फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ये है हर्ब, पर ये है हर्ब्स. ये छोटे होते हैं यूजुअली, मैंने आपको बताया हाई होते हैं सिर्फ 1 मीटर तक. ये है शर्ब, शर्ब के प्लांट होते हैं, ये थोड़े से बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं, मीडियम साइज होते हैं. और इसके बाद जो आते हैं वो होते हैं ट्री. ट्री जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? आंसर. Leaves prepare food using chlorophyll, water and carbon dioxide in the presence of sunlight by the process called photosynthesis. Leaves जो हैं वो अपना भोजन बनाते हैं chlorophyll की उपस्थिति में, पानी की उपस्थिति में और carbon dioxide और sunlight इनकी उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं, और इसी भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को photosynthesis कहते हैं. For example, मैंने आपको यहाँ पे figure attach किया हुआ है समझाने के लिए. ये देखिए, ये एक पौधा है और ये है sunlight. Sunlight को ये as a energy के रूप में use करते हैं sunlight, और यहाँ से ये पानी ले रहे हैं, पानी और carbon dioxide और chlorophyll इनकी उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के बाद जो बाई प्रोडक्ट निकलता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं पेड़. और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपको सबको पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो. और इसलिए आप लोग भी अपने अपने घरों में ज़रूर हरे पौधे, पेड़ पौधे लगाइएगा. क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम. स्टेम के मेन फंक्शन को आपको बताना है. आंसर. फंक्शंस ऑफ द स्टेम, स्टेम के फंक्शंस. फर्स्ट है द स्टेम कीप्स द प्लांट अपराइट. स्टेम का क्या काम होता है कि वो प्लांट को सीधा रखता है, एकदम अपराइट रखता है, एकदम सीधा. सेकंड है स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम. जो ऊपर तना के ऊपर के जो सारे सिस्टम होते हैं, ब्रांचेज होते हैं, लीव्स होते हैं, उनको सारे पार्ट्स को क्या करता है स्टेम, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर पहुंचाता है हर एक पार्ट में. थर्ड है इन सम प्लांट्स द स्टेम इज अंडरग्राउंड. और कुछ पौधों में क्या होता है, जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होता है, यानी जमीन के नीचे होता है. एग्जांपल्स आर उसके एग्जांपल है पोटैटो, अनियन एंड जिंजर. इन सबके जो स्टेम होते हैं वो ग्राउंड के, मतलब जमीन के नीचे होते हैं. दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाई द लीव्स. और ये जो है लीव्स के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसको ये अपने स्टेम में स्टोर करते हैं. फोर्थ है स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैक्टस आर मॉडिफाइड टू मेक फूड. कुछ प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो खुद ही फूड बनाते हैं. उन वो ऐसे मॉडिफाइड होते हैं कि वो अपना भोजन स्टेम के थ्रू ही बनाते हैं, जैसे कि कैक्टस में. द ग्रीन स्टेम परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द लीव्स. इस प्लांट में, कैक्टस में लीव्स नहीं होते हैं, इसलिए लीव्स का सारा काम जो होता है वो स्टेम करते हैं. और हर प्लांट में मैंने आपको बताया कि लीव्स जो है वो भोजन बनाने का काम करती है, लेकिन इस प्लांट में लीव नहीं है, इसलिए लीव का सारा काम जो है वो स्टेम करता है. क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एक्सपेरिमेंट टू सो डैट लीव्स कंटेन स्टार्च. एक एक्सपेरिमेंट करके हमें बताना है, एक परीक्षण करके कि लीव्स जो है उसमें स्टार्च मौजूद होता है या नहीं. आंसर. टू सो डैट लीव्स कंटेन स्टार्च, हमें ये बताने के लिए कि इस लीव में स्टार्च होता है कि नहीं, चलिए यह एक्सपेरिमेंट करते हैं. टेक अ ग्रीन लीफ ऑफ ए हेल्दी प्लांट, एक स्वस्थ पौधे का हरा पत्ता लेना है, पत्ती लेना है,
प्लेस इट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कवर इट विथ स्पिरिट. उसको एक टेस्ट ट्यूब में डालना और उसको स्पिरिट डाल करके पूरा कवर कर देना पूरी तरह से. प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर फिल्ड विथ वाटर. उसके बाद उस टेस्ट ट्यूब को एक बीकर में रखना जिसमें पानी पूरा भरा हुआ हो. हीट द बीकर टिल द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज कम्प्लीटली बिकम्स कलरलेस. तब तक हमें उस बीकर को गर्म करना है जब तक कि उस ग्रीन जो ग्रीन पत्ती है वो पूरी तरह से कलरलेस ना हो जाए, उसका ग्रीन कलर जो है वो उड़ ना जाए तब तक. रिमूव द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट इन वाटर एंड पुट इट ऑन अ शीट ऑफ वाइट पेपर. इसके बाद जब ये कलरलेस हो जाएगा तो उस पत्ती को ध्यान से निकालना है और उसको पानी में धुलने के बाद एक वाइट कलर के पेपर के शीट पर रख देना है. पावर ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन ऑन इट. उसके ऊपर थोड़ा से कुछ ड्रॉप आयोडीन के डालने हैं. द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर. अगर लीफ जो है वो ब्लू और ब्लैक कलर में बदल जाती है, दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो इसका मतलब है कि लीफ में स्टार्च मौजूद है. अगर नहीं बदलती है तो समझ लो कि नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5. नेम द टू सिस्टम्स ऑफ द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी के टू सिस्टम्स के बारे में बताना है. आंसर, द प्लांट बॉडी कंसिस्ट टू इंपॉर्टेंट सिस्टम. प्लांट बॉडी दो मुख्य सिस्टम कंसिस्ट करते हैं. फर्स्ट है द रूट सिस्टम. रूट सिस्टम होता है पार्ट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड. रूट सिस्टम ऐसे सिस्टम है जो कि जमीन के नीचे ग्रो करते हैं, उनको रूट सिस्टम कहते हैं. द शूट सिस्टम पार्ट विच ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो कि जमीन के ऊपर ग्रो करते हैं, उनको हम शूट सिस्टम कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. टैप रूट और फाइब्रस रूट में क्या अंतर है. आंसर, टैप रूट. सम प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, रोज, नीम एंड कैरेट हैव अ मेन रूट फ्रॉम विच अ नंबर ऑफ ब्रांचिंग रूट अराइज. कुछ पौधे जैसे कि मस्टर्ड, रोज, नीम एंड कैरेट, इनके एक मेन रूट होती है जिसके उस मेन रूट से कई सारे ब्रांच जो होते हैं वो निकले होते हैं. द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट. उसी मेन रूट को टैप रूट कहते हैं. फाइब्रस रूट. सम प्लांट्स लाइक ग्रास, प्लांट डू नॉट हैव अ मेन रूट. कुछ पौधे जैसे कि ग्रास, इनके कोई भी मेन रूट नहीं होते हैं. देयर इज ए क्लस्टर ऑफ रूट्स ऑल अपियरिंग सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स. क्लस्टर मतलब होता है एक ही स्थान पे कई सारी चीज़ें एक साथ निकलना, उसको कहते हैं क्लस्टर. और क्लस्टर ऑफ रूट्स मतलब बहुत सारे रूट्स निकले होते हैं, अपियरिंग सिमिलर और देखने में सब एक जैसे होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं. यहाँ पे मैंने फिगर लगाया हुआ है आपको समझाने के लिए. ये रहा टैप रूट. टैप रूट में ये एक मेन रूट जा रही है, इसके साथ साथ ये बगल से ये कई सारी थोड़ी थोड़ी ब्रांचेज निकली हुई हैं, इसको टैप रूट कहते हैं. और ये रहा फाइब्रस रूट, इसकी कोई मेन ब्रांच नहीं होती है, इसमें बहुत सारे, मैंने बताया ना क्लस्टर, क्लस्टर मतलब बहुत सारे स्टेम्स एक जैसे निकले हुए रूट्स, ये सारे एक जैसे पूरे के पूरे निकले हुए हैं, इनको फाइब्रस रूट कहते हैं. इनकी कोई मेन ब्रांच, मेन स्टेम नहीं होती है, मेन रूट नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन क्या है. आंसर, लीव्स ऑल्सो रिलीज एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब बाई द रूट थ्रू द स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर. लीफ जो है वो भी एक्स्ट्रा वाटर जो कि रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किए रहते हैं उनको रिलीज करती हैं. किसके थ्रू करती हैं, स्टोमेटा के थ्रू करती हैं. स्टोमेटा कहाँ पे मौजूद होता है, वो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हीं छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं. और उन्हीं छिद्रों के द्वारा ये एक्स्ट्रा वाटर लीव्स जो हैं वो रिलीज करती हैं वेपर के फॉर्म में, यानी कि वाष्प के रूप में. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन. इसी प्रक्रिया को ट्रांसपीरेशन कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. ड्रॉ एंड लेबल अ डायग्राम ऑफ ए फ्लावर. यहाँ पे एक फ्लावर का ड्रॉ करना है डायग्राम और उसके बारे में आपको बताना है, उसके पार्ट्स के बारे में. मैंने यहाँ पे एक पिक्चर अटैच किया हुआ है आपको दिखाने के लिए. ये रहा, ये कुछ शायद बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए आपको दिख नहीं रहा है. ये जो पार्ट होते हैं ये मेल पार्ट है, ये एंथर है और ये फिलामेंट है. और मेल पार्ट होते हैं स्टेमन. स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, ये होते हैं एंथर और ये है फिलामेंट. और ये है स्टिग्मा. ये और ये पार्ट जो होता है स्टिग्मा के बाद ये स्टाइल. ये फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का. ये ओव्यूल्स होते हैं. ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर ओवरी होता है. ये है रेसिप्टिकल. ये रेसेप्टिकल मतलब इसी के ऊपर ये अटैच होता है, यहीं से शुरू होता है ये फ्लावर का ये सारे पार्ट. और फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं जो उनको कहते हैं पेटल. और ये जो ग्रीन कलर का होता है सेपल, जब बर्ड्स होते हैं जब ये कली होती है तो उनको ग्रीन कलर के जो सेपल होते हैं वो प्रोटेक्ट किए रहते हैं. और जब कली फूल खिल जाता है तो ये ऐसे नीचे नीचे ग्रीन कलर के होते हैं, इनको सेपल कहते हैं. और ये है पेडिकल. पेडिसल
पेडिसल मतलब कि पेडिसल वो होता है फ्लावर का पार्ट जो कि फ्लावर को तने से जुड़ा रहता है, स्टेम से जुड़ा रहता है वो, उसी को पेडिकल्स पेडिसल कहते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके आगे मैं आपको एक न्यू चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। उसके पहले मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, फिर तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं या नहीं। प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।